फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कश्मीर फूड क्रेविंग्स। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कश्मीरी स्टाइल फिश करी की रेसिपी, जिसको हम कश्मीरी में गाड़मुज नदर भी बोलते हैं। इसमें हम वेजीज डालते हैं। मैं यहाँ पे मूली और नदरू डाल रही हूँ। इसकी ग्रेवी स्पाइसी होती है। ये कश्मीर की बहुत फेमस डिश है, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए हमें चाहिए 2 kg फिश, 1/2 kg लोटस स्टेम या नदरू, 3 to 4 टमेटोज, 1/2 kg रेडिश, 10 to 15 गार्लिक क्लोव्स, 1 सिनेमन स्टिक, 3 ग्रीन कार्डिमम, 2 क्लोव्स, 3 टीस्पून फिश मसाला होममेड, 5 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर, प्रॉन या शैलेट्स, वर या मसाला टिक्की, 1 टीस्पून जीरा, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट एंड ऑयल। चलो फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने फिश को कट कर लिया है। इसके बाद हम इसको पानी से अच्छी तरीके से साफ करेंगे। मैंने इसको अच्छी तरीके से साफ कर लिया है। इसके नीचे एक प्लेट रख दिया ताकि एक्सेस वाटर इसी पे गिरे। अब हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। मैं यहाँ पे 2 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप इसमें नमक भी ऐड कर सकते हैं, मैंने वो स्किप किया है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसको मैरिनेट होने के लिए ओवरनाइट रख देंगे। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप 3 से 4 घंटे भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं। इसको हाथों की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसको ढक के रखेंगे तब तक। यहाँ पे मूलियाँ ली हैं, इनको मैंने गोल पीसेस में कट किया है। अब हम इसके ऊपर सॉल्ट स्प्रिंकल करेंगे। सॉल्ट से इसका एक्सेस वाटर बाहर आएगा। इसको भी 3 से 4 घंटे तक ऐसे ही रखेंगे, जब तक फिश मैरिनेट होगी। ऐसे ही मैंने गर्म पानी में प्रॉन या शैलेट्स को भिगो के रखा है। ऐसे ही मैंने मसाला टिक्की को भी गर्म पानी में भिगो के रखा है। 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारी फ़िश अच्छी तरीके से मैरिनेट हो गई है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तेल बहुत ही गर्म होना चाहिए। अगर तेल ठंडा होगा तो ये मछलियाँ चिपक सकती है और टूट सकती है। हमें इसको टर्न बिल्कुल भी नहीं करना है, जब तक एक साइड से अच्छी तरीके से फ्राई ना हो जाए। आप देख सकते हैं ये एक साइड से अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हम इसको टर्न करेंगे। आप देख सकते बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है। हमें इसको तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और क्रिस्पी ना हो जाए। आप देख सकते हैं ये क्रिस्पी हो गए हैं। ये सब मैरिनेशन की वजह से जो हमने पहले की थी हल्दी की। अब सारी फिश को निकाल देंगे और बाकी फिश को भी ऐसे ही फ्राई कर देंगे। ये लीजिए, सारी फिश फ्राई हो गई है। इसके बाद जो हमने ये रेडिश रखी थी, इसका भी एक्सेस वाटर फेंक देंगे। एक खुला सा बर्तन लेंगे, उसमें मैं रेडिश और नदरू को डाल रही हूँ। इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी उतना ऐड करना है जिसमें ये वेजीज कवर हो जाए, और 1 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर ऐड करूँगी। इसको एक उबाल आने तक पकाएंगे ताकि जो इसका एक्सेस डर्ट वगैरह है वो निकल जाए और वेजीज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। इसको अलग से बर्तन में निकाल दिया। आप देख सकते कलर भी अच्छा आया है। और सेम ऑयल में हम इन वेजीज को फ्राई करेंगे जिसमें मैंने फ़िश को फ्राई किया था। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस 1 मिनट तक फ्राई करना है ताकि जो ये वेजीज है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। इसको भी अलग प्लेट पे निकाल देंगे और बाकी वेजीज को भी फ्राई करेंगे। सेम ऑयल में हम शैलेट या प्रॉन को भी फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पे ड्राई प्रॉन लिया था, तभी मैंने गर्म पानी में इसको भिगो के रखा था। इसको तब तक फ्राई करना है जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इससे मछलियों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको पेस्ट बनाएंगे। सेम ऑयल में हम टमेटोज डालेंगे 3 से 4। टमेटोज को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। इसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। पहले हम कम ही नमक ऐड करते हैं और टमेटोज को फ्राई होने के लिए रख देंगे। तब तक जो हमने मसाला वर या टिक्की रखी थी भिगो के, इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे 5 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके पास वर ना हो तो आप सीधे पानी में रेड चिली पाउडर ऐड कर सकते। इसके बाद जो प्रॉन का पेस्ट था वो भी इसमें ऐड कर दिया है और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है।
और इसका पेस्ट तैयार कर दिया है। पेस्ट रेडी हो गया। इसके बाद हम इसमें 2 टीस्पून फिश मसाला ऐड करेंगे। ये मैंने घर पे बनाया था, मैंने सारे मसाले इसमें ऐड किए थे और हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। टमेटो फ्राई हो गया। अब जो ये मसाला रखा था वो इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और उसको नमक को चेक करेंगे। इसमें हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसको 3 से 4 मिनट तक पकने के लिए रख देंगे। और हमारा टमेटो मसाला तैयार हो गया है। इसके बाद एक खुला सा बर्तन लेंगे, उसमें ये सारी वेजीज को डाल देंगे। पहले एक लेयर बनाएंगे इन वेजीज की, फिर सेकेंड लेयर फिश की डाल देंगे। इसमें हम लेयर वाइज वेजीज और फिश को डाल देते हैं। थर्ड लेयर हम जो टमेटो मसाला रखा था हाफ, इसमें पहले एक लेयर बना देंगे और जो बाकी बची हुई वेजीज थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे। आप अपने हिसाब से वेजीज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद फिर से फिश की लेयर ऐड करेंगे और जो ये बची हुई वेजीज थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि पहले भी हमने नमक ऐड किया। इसके बाद गार्लिक क्लोव्स ऐड कर रही हूँ जिनको मैंने क्रश कर लिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 क्रश्ड सिनेमन स्टिक ऐड करेंगे, 3 ग्रीन कार्डिमम, 2 कुटी हुई लौंग, 1 चम्मच फिश मसाला होममेड और टमेटो मसाला, ये सारा इस पर ऐड कर देंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी उतना ऐड करें जिसमें ये सारी वेजीज कवर हो जाए। हमें इसको तब तक पकाएं जब तक इसका सारा पानी रिड्यूस ना हो जाए और हम इसको ढक के पकाएंगे। बीच में हम चेक करेंगे, आप देख सकते हैं ये पक रहा है, अभी भी इसमें पानी ऐसे ही है। इसको तब तक पकाएं जब तक ये सारा रिड्यूस ना हो जाए और वेजीज सॉफ्ट ना हो जाए। आप देख सकते हैं इसमें अभी भी बबल्स, इसका मतलब अभी भी पानी है, इसको हमें रिड्यूस करना है। आप देख सकते हैं हमारी फ़िश रेडी हो गई है। इसको हम गरम नहीं निकालते वरना मछलियाँ टूट जाती है। इसको हमें 3 से 4 घंटे के बाद ही सर्व करना है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।